This is the question of tendon nervum. Here we have to find the angle at which the radius vector cuts the curve r is equal to a1 minus cos theta. आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको वो एंगल फाइंड करना है जिस पे रेडियस वेक्टर गिवन कर्व को कट करता है. तो हियर वी हैव टू फाइंड द एंगल फाई, एंड एंगल फाई इज द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट. सो इट इज गिवन दैट आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा. दिस इज द गिवन कर्व. सो फर्स्ट वी डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा. So we get dr by d theta is equal to, here a is constant, d by d theta of 1 minus cos theta. Because a is constant, so it will be outside the differential operator. When we differentiate, this one is 0 and differentiation of cos theta is minus sin theta. So this will be sin theta. So it is a sin theta. यहाँ पर आप देख सकते हैं गिवन कर रहा है r is equal to a1 minus cos theta. इसको theta के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dr by d theta is equal to a d by d theta 1 minus cos theta लिखेंगे. a कांस्टेंट है इसको डिफरेंशिएशन ऑपरेटर के बाहर लिखेंगे. 1 का डिफरेंशिएशन theta के रिस्पेक्ट में 0 होगा और cos theta का डिफरेंशिएशन theta के रिस्पेक्ट में minus sin theta होगा, इसलिए ये plus sin theta बनेगा. अब a का sin theta से मल्टीप्लाई होगा तो a sin theta आएगा, ये dr by d theta. Now we reciprocal this, we get d theta by dr is equal to 1 upon a sin theta. And we know that tan phi is equal to r d theta upon dr. So we put here value of d theta by dr, that is 1 upon a sin theta, and value of r, which is a 1 minus cos theta. Here we can see this a is cancelled out. And this 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2, and this sin theta is 2 sin theta by 2 multiplied by cos theta by 2. आप देख सकते हैं कि tan phi is equal to r d theta by dr होता है. अब d theta by dr की वैल्यू 1 upon a sin theta यहाँ सब्स्टिट्यूट करी गई है, उसके बाद r की वैल्यू गिवन कर a 1 minus cos theta सब्स्टिट्यूट की है. आप देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है, जबकि साइन थीटा ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल होता है. अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से साइन वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2, दैट इज टेन थीटा बाई 2. सो हियर टेन फाइ इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, दिस शोज दैट phi is equal to theta by 2, which is the angle, find the angle at which the radius vector cuts the curve. So the angle theta by 2, this curve cuts the radius vector. आप देख सकते हैं find the angle at which the radius vector cuts the curve. हमको वो angle बताना है जिसके लिए radius vector इस given curve को किस angle पर cut करता है, यानी इंटरसेक्ट करता है. तो उसके लिए गिवन कर r इक्वल टू a1 माइनस cos थीटा था, इसको थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके dr / d थीटा निकाला, फिर इसका रेसिप्रोकल करा. सो फिर tan phi बराबर r d थीटा / dr होता है, इसमें r की और d थीटा / dr की वैल्यू रख दी, उसको सिंपलीफाई कर दिया तो phi की वैल्यू थीटा / 2 आ गई. दिस इज phi इज द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट. थैंक यू.